बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। दिसंबर को हम वर्ष के सबसे अंतिम और कड़कड़ाती ठंड के पर्याय महीने के तौर पर जानते हैं। इस महीने की शुरुआत जहां कपकपाती सर्दी से होती है, वहीं इसके बीतते बीतते उत्तर पूर्व भारत के अधिकतर हिस्सों जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि में सुबह शाम घना कोहरा छाया रहता है और इन इलाकों में शीतलहर भी चलनी शुरू हो जाती है। दिसंबर माह में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं और इस माह में विंटर सोल्स्टिस यानी संक्रांति भी प्रतिवर्ष पड़ती है। साल 2019 का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को ही होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बहुत कम समय तक के लिए ही रहती हैं। वैसे तो 6 से 7 महीने गर्मी में तपते भारतवासियों के लिए सर्दियाँ किसी उपहार से कम नहीं होती और हर कोई चाहता है कि बेहतर स्वास्थ्य के साथ हर मौसम का लुत्फ भी जमकर उठाया जाए। पर कहते हैं ना कि हर मौसम में अपने कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं जिनके अनुसार हमें अपनी दिनचर्या में भी बदलाव लाना पड़ता है। तो आइए बैलेट बॉक्स इंडिया के स्वास्थ्य सीरीज में दिसंबर माह में स्वस्थ रहने के कुछ प्राकृतिक व आयुर्वेदिक नियमों की चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कैसे सर्दियों में रहें फिट एंड फाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्दियों के आहार की। सर्दियों में हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, चौलाई आदि से बाजार भरा रहता है। यह हरी भरी सब्जियां देखने में तो रिफ्रेशिंग होती ही हैं, साथ ही इनमें पोषक तत्वों की भी प्रचुरता होती है और सर्दियों की सौगात मानी जाती हैं सरसों का साग, मक्के की रोटी, गुड़ और छाछ। दिसंबर में धूप कम निकलती है और शरीर में विटामिन डी की मात्रा में कमी आने से हमारी रक्त कोशिकाएँ सिकुड़ने लगती हैं, जिससे हृदय संबंधित रोगों, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर आदि की अधिकता भी देखी जाती है। ऐसे में अगर कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन ए, सी, डी, B12, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि न्यूट्रिएंट्स से भरपूर इन हरी सब्जियों को अपने भोजन में शामिल किया जाए तो स्वास्थ्य के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखा जा सकता है। बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ल्यूटिनाइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट और कैरोटीनाइड, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन ई जैसे ढेरों पोषक तत्वों से युक्त गाजर सर्दियों में अक्सर होने वाली इंडाइजेशन से तो बचाती ही है, साथ ही ठंड के कारण हुए जोड़ों में दर्द के लिए भी गाजर रामबाण इलाज मानी जाती है। वहीं अधिकतर सलाद में प्रयोग होने वाला चुकंदर भी विटामिन बी, सी, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से युक्त होता है, जो शरीर में ब्लड प्यूरिफिकेशन के साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ाता है। चुकंदर का जूस शरीर में प्लाज्मा नाइट्रेट के स्तर को भी बढ़ाकर शरीर को एनर्जेटिक बनाता है। इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम हमारी मांसपेशियों को सक्रिय रखता है, जिससे हम आलस और थकान महसूस नहीं करते। अब बात सर्दियों की हो तो मूली शलजम को कैसे भुलाया जा सकता है। मिनरल तत्वों जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन बी व सी का उत्तम स्रोत मूली और शलजम को सलाद के साथ साथ अचार, भाजी अथवा रोटी पराठे के तौर पर बहुतायत में प्रयोग लाया जाता है। यह दोनों सब्जियां शुगर और हृदय रोगियों के लिए लाभदायक मानी जाती हैं, साथ ही इनके जूस से यूरिनल इन्फेक्शन और अपच में भी राहत मिलती है। सर्दी में सबसे ज़्यादा मिलने वाली फलों में सेब, अमरूद, चीकू, संतरा, केला, अनार आदि हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे वाली कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी। वास्तव में फाइबर, विटामिन सी, के, ए, सी, B1, B2, B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर आदि की प्रचुरता से युक्त सेब प्रोबायोटिक की भांति काम करता है और अच्छे बैक्टीरिया को शरीर में कायम रखते हुए आंतों का स्वास्थ्य बढ़ाता है।
सेब के छिलके में पाया जाने वाला फ्लेवोनॉइड तत्व इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हुए अस्थमा और किसी भी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन से हमें बचाता है। अमरूद, लाइकोपिन, पोटेशियम, फोलेट, फास्फोरस, फाइटोकेमिकल्स, डाइट्री फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई आदि के गुणों से भरपूर है और यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हम बहुत से मौसमी रोगों से बचे रह सकते हैं। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही होने वाले कॉमन कफ एवं कोल्ड में भी यह फल राहत प्रदान करता है। एक स्वादिष्ट फल के साथ साथ विभिन्न औषधीय गुणों से भरपूर चीकू में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन सी, फास्फोरस, आयरन आदि पाए जाते हैं। यह पाचन तंत्र के लिए बेहद अच्छा फल माना जाता है और इसे प्राकृतिक फ्रक्टोज और सुक्रोज हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ चीकू हाई बीपी को भी नियंत्रण में रखता है। दुनिया के सबसे स्वास्थ्यवर्धक फल का खिताब पाने वाला अनार भी इस माह में खाया जाना चाहिए, क्योंकि यह विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। शरीर में नए रक्त का निर्माण करने में यह बेहद सहायक है। फलों सब्जियों के बेहतर तालमेल के साथ कुछ अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, मकई का सेवन आदि का सेवन भी सर्दियों में लाभकारी माना जाता है। चीनी के स्थान पर आप सर्दियों में गुड़, खजूर को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। गुड़ की चाय, तिल, मूंगफली, सौंफ, मेवों और गुड़ के समागम से बने गजक को आप सर्दियों में जरूर खाएं। यह आपके शरीर को वांछनीय गर्माहट देने के साथ साथ ऊर्जा देने का बेहतरीन कार्य करते हैं और साथ ही गुड़ में फोलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो चीनी में कदापि नहीं हो सकते। आहार में परिवर्तन के साथ ही शरीर में सक्रियता को भी बनाए रखें। सर्दियों में आने वाले आलस को बाय बाय कहकर थोड़ा सा समय वॉकिंग को जरूर दें। प्राणायाम और योगा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। इसके साथ ही कुछ इंडोर एक्टिविटीज जैसे घर को व्यवस्थित रखना, डांस, पेंटिंग, बागवानी आदि रचनात्मक कार्यों को भी अपनी फहरिस्त का हिस्सा जरूर बनाएं। इन सबसे सर्दियों में मौसम में अक्सर होने वाली विंटर सिकनेस या विंटर डिप्रेशन से आप बचकर रह सकते हैं। तो सर्दियों की सिटरिंग का लुत्फ उठाएं बेहतर स्वास्थ्य और प्रसन्न मन के साथ। आपका स्वास्थ्य है सबसे अनमोल, उसे सहेजें, संवारें सकारात्मक मन से, हर मौसम को कहें स्वागतम।